नमस्कार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन। एनवाईटी ने कहा मोदी का दबदबा बढ़ा। बीबीसी की राय, भाजपा को आगे फायदा मिलेगा। आंध्र प्रदेश से आज टकराएगा साइक्लोन मिचांग। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलेंगी। 8 जिलों में रेड अलर्ट। चेन्नई में 8 की मौत। टीएमसी बोली कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी मानसिकता के चलते हारी। मुख्य पत्र में लिखा 4 राज्यों में हार का असर INDIA गठबंधन पर पड़ेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, लोकसभा में पेश होगी महुआ मोइत्रा पर एक्शन कमेटी की रिपोर्ट। पहले दिन हंगामे के चलते चर्चा नहीं हुई। सिक्किम में बाढ़ के 60 दिन बाद भी 77 लापता, इनमें 7 जवान। सेना की बंदूकें तोपे बह गई, राज्य को 30,000 करोड़ का नुकसान। महिला अफसरों के लिए नई पॉलिसी बनाएगी आर्मी। SC ने 4 महीने का समय दिया। प्रमोशन के मामले में दाखिल हुई थी याचिका। दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर। NCERB 2022 की रिपोर्ट में दावा, यहां एक दिन में 3 रेप हुए, हर घंटे 51 FIR हुई। पीएम मोदी बोले पराजय का गुस्सा सदन में ना निकाले। आप सांसद राघव चड्ढा का राज्यसभा से निलंबन रद्द। अगस्त 2023 से सस्पेंड थे। हिमाचल सरकार और कांग्रेस में सियासी घमासान। CLP मीटिंग में ना बुलाने पर भड़की प्रतिभा। कहा CM ने संगठन को नजरअंदाज किया। हरियाणा सरकार का सेक्सुअल क्राइम पर बड़ा फैसला। दोषी को नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं। पेंशन के साथ ही आर्म्स लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। रोहतक मठ के महंत राजस्थान CM की दौड़ में। चुनाव से पहले अमित शाह और RSS प्रमुख उनके यहाँ आए। बाबा बालकनाथ की तारीफ की थी। न्यूज कॉल ब्लैकमेलिंग, अब डिजिटल अरेस्टिंग, ठगों का नया फॉर्मूला। इंजीनियर महिला को 8 घंटे उलझाया, 11 लाख वसूले। डिफेक से PM मोदी का वीडियो बनाया। नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बोले जंग के बाद इजरायली PM पर केस चले, हमास आतंकी संगठन नहीं है। हमास की सुरंगों से समुद्री पानी भरेगा इसराइल, हर घंटे हजारों लीटर पानी छोड़ने की तैयारी। अब तक 5,000 हमास लड़ाके ढेर। IPL के लिए तैयार होगा नोएडा का क्रिकेट स्टेडियम, 4,000 लोग एक साथ देखेंगे। 15 VIP बॉक्स, प्रैक्टिस के 6 पिच होगी। CM नीतीश की तबियत में सुधार, बुलाई कैबिनेट मीटिंग। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद पहली बैठक। नियोजित शिक्षकों की बड़ी उम्मीद। रामा सिंह ने कहा आनंद मोहन कोई चुनौती नहीं। पूर्व संसद ने वैशाली और आरा सीट पर ठोका दावा, कहा जल्द करेंगे घोषणा। क्लैट 2023 की आंसर की जारी, उम्मीदवारों को 5 दिसंबर तक मिलेगा ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का मौका। भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान, वनडे और T20 में एडन मार्करम करेंगे कप्तानी। टेस्ट में टेम्बा को मिली जिम्मेदारी। 3 घंटे 21 मिनट की एनिमल ने कमाया 356 करोड़। राज कपूर ने शुरू किया था लंबी फिल्मों का ट्रेंड, 2 फिल्मों में रखे थे 2 इंटरवल। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीटीओ न्यूज़।